लोक प्रसार चलन देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों आप देख रहे हैं मेरे पास सरसम के खेत में खड़ा हूं मैं, और ये वही सरसम है जिसकी आपने पहले वीडियो देखी थी अमरजीत इसरवाल के खेत में, जो जिसने सिर्फ 100 ग्राम बीज सरसम का डाला था और आज ये सरसम जो अपने आसपास के एरिया में सबसे टॉप की सरसम है, ये देख सकते हो सरसों इतनी फलियां हैं, इतनी फलियां हैं नीचे से लेके जड़ से ऊपर तक फलियां ही फलियां दिखाई देती हैं। और मैं भाई अमरजीत ने बुलाऊंगा, भाई अमरजीत आइए और बताइए भाई हमने हमारे किसाना ने सारे ने या जानकारी दे भाई सा कौन सा मंत्र मारे हो और ईसा के बताया के करे आपने या फसल से देख लो भाई ये तरह सारे का अग्गे से झुकी पड़ी है बिल्कुल, ये देखिए इतनी फली है। अगर आपने ये एक एक फली के ये देखिए भाई कैमरा मैन से कहो नजदीक तो दिखा, बिल्कुल बिल्कुल नजदीक तो दिखा भाई ये देख फली ये देखो नीचे झुकी पड़ी है भाई, मारा सिर तो भी ऊंची जा रही है बहुत गणी, ये देखो लंबाई देखो इसकी सिरसम की कितनी लंबी जा रही है और नीचे जड़ से लेके ऊपर तक फली ही फली है भाई। यो भाई साहब अमरजीत सब तो पहले तो भाई मेरे दर्शकों ने एक बड़ी आली राम राम कर दी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सब बहन भाइयों ने अमरजीत भाई की तरफ से राम राम। तो भाई साहब आपने के गेरा इसमें के खुआया इस फसल ने जो इतनी लंबी हाइट में और सिर्फ 100 ग्राम बीज गेरा? हाँ जी। के आपने के चीज डाली इसमें? इसमें भाई साहब आपने पहले बिजाई के टाइम पे भी बताया था हमने 10 किलो डीएपी डाली थी, 10 किलो पोटास है, 3 किलो सल्फर है, उसके बाद में हमने 1000 लीटर इसमें गोबर गैस की सलरी चला दी है। अच्छा। और 10 किलो सरसम की खड़ी को 3 दिन भिगो के उसका जो पानी है वो ड्रिप से चलाया है। सरसम की खड़े? हाँ जी। 3 दिन भिगो और उसका निचोड़ की पानी 10 किलो खड़े 50 लीटर पानी में भिगो के रखी 3 दिन, उसके बाद में जो पानी बना उसका वो अच्छे से कपड़े से छान लिया और फिर ड्रिप से चला दिया इसके अंदर। अच्छा, इब इसके अंदर जो आपने एक चना इस साइड एक चना उस साइड चने लगाए थे, ये दिखाऊंगा भाई आपने चना, ये चने देखो ये रे, ये चने हैं, इस चने की हाइट भी करीब 3 फुट है भाई, 3 फुट के नजदीक चने की हाइट जा रही है और इसका ये चना भी मतलब सरसम के और यह ड्रिप तो है भाई सारी, यह भी देख लियो यह ड्रिप है, ये देखिए अमरजीत के पैरों में है, ये देख सब ड्रिप तो है भाई और ड्रिप की ग्यूस इसके बिल्कुल साथ में आपने दिखाऊंगा मैं। ये चना तो चने की भाई साहब आपने कह रहा था हरा चना बेचेंगे, इसकी फसल कितना उत्पादन लिया आपने इसमें? हमने वो छोली नहीं वो साग बेचा जी इसका पहले कितना वो 5-6 हजार रुपये का भी क्या। अच्छा। साग इतने मतलब 4-4 फीट पे थे थोड़ा भी क्या। अच्छा। और ये वैसे तो हमने नाइट्रोजन के लिए लगाए थे। अच्छा। सरसों की नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगा तो नाइट्रोजन का अच्छा यूरिया नहीं डालनी पड़े। हाँ, यूरिया नहीं डालनी पड़े। अच्छा। हाँ। और फिर अब इसके यारे छोले हो गए, छोले बेचे आपने? छोले तो अब शुरू है, अच्छा उत्पादन हुआ तो बेच देंगे नहीं तो घर पे काम चला लेंगे। अच्छा। दाल जोगे तो बने। तो अब ये इतनी फली है तो एक एकड़ में कितनी फसल हो, कितनी सरसों की फसल हो गया अंदाजा भाई? देख अंदाजा के लगा बाकी सही है, सरसों किसी भी पड़ोसी से कम नहीं है। मेरे दौरे एक और किसान खड़ा है भाई साहब लाला का, मैं उसने बुलाऊंगा आ जाओ भाई साहब, ये फसल देखने खातर आए थे या चीज देखने खातर आए हैं भाई किस तरह उगाया गया है? आपने भाई साहब के नाम आपका? अनिल जाखड़े भाई साहब। अनिल जाखड़े भाई साहब लाला थे। अच्छा, आप अंदाजा लगा इसको कितनी एकड़ किले की बनेगी? यदि कम से कम 25 से ऊपर बैठेगी, 25-30 के हर बार 30 मण। हाँ जी 30 मण सरसम बैठेगी भाई। हाँ। और जिसमें चने लेगा वो अलग। हाँ। और खर्चा नॉर्मल खर्चा आज है इसमें, कोई ट्रैक्टर की बाई नहीं, कोई हल्की बाई नहीं, अपने हाथ से मेरे सामने आप वीडियो देख सको, पहले ये बोई थी उस दिन भी वीडियो बना के ले गया था मैं। तो ये सरसम सर भाई इसके साथ में बिल्कुल आप भी ऑर्गेनिक खेती करते हो? हाँ जी, मैं ड्रिप की खेती करता हूँ 6 किलो की। मैं भाई साहब का ये प्रैक्टिकल देखने के लिए आया था। हाँ। भी इसमें कैसे क्या कर रखा है। अच्छा अच्छा। तो ये मैं देख के बहुत बढ़िया लगा। हाँ। और हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं। अच्छा। इसलिए हाँ, प्रैक्टिकल देखने के लिए हम आए हैं भाई, बहुत दूर दूर से। मेरे पास भी चैनल के ऊपर भी बहुत फोन आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, यहाँ हर रोज कोई ना कोई आए रहते हैं बाहर से लोग देखने के लिए ऑर्गेनिक खेती बिना जहर की खेती। तो ई बाप आपने दिखाऊंगा मैं परली साइड चालो गेहूं नुको थे ना गेहूं, इसमें तो 100 ग्राम बीज गिरा था सरसम का, और वो गेहूं दिखाऊंगा भाई जिसमें सिर्फ 2 किलो बीज गेहूं का गिरा था,
लगातार आ जाओ मेरे गेली गेली और दिखाऊं तो मैंने साथ में गेहूं से ये तो सिस्टम से भाई अमरजीत का पानी लाने का यहां से ये खाद रो चलाते हैं ये आगे गेहूं बिल्कुल साथ में ये देखिए ये इधर सिस्टम है और ये गेहूं है भाई ये वह गेहूं है जिसने किले में सिर्फ 2 किलो बीज गिरा था 2 किलो बीज गिरा था एक किले में और ये गेहूं देख लो भाई बिल्कुल काली है अरे ये देखिए एक बिलात के नजदीक कितनी बड़ी बड़ी बाल है गेहूं की। हाँ ये नीचे तरबूज बो रखे भाई और इसके बीच में भाई फसल का ये देखो ये मटर की फसल है भाई ये मटर बो रखे हैं साथ में ये मटर ले रहे हैं फसल और अब बो दिए तरबूज इसमें ये देखिए के है ये गेहूं देखिए पूरी कैमरामैन से कहूंगा भाई दिखा और सारी ड्रिप तो है भैया टोटल ड्रिप से है कोई फुहारा नहीं कोई पानी खुला नहीं और ऊंचा टीबे के ऊपर खड़े हैं बिल्कुल बिल्कुल ऊंचा टीला है यो और ये किसान देर ये देखिए भाई इधर दिखा लाइन टू लाइन ये देखिए 4 फुट के करीब ये गैप है ये लाइन है देखो ठेठ तक और ये गेहूं देख लो और ये ड्रिप है बीच में और मटर की खेती ली है पूरा मटर हुआ है और मटर दिखाऊं भाई तुमने देख लो ये मटर इधर तोड़ रखे इधर तोड़े नहीं ये देखिए भाई मटर की ये देखिए नजदीक लाइए कितने मटर एक एक उस पौधे पर लगे हुए हैं देखो ये देखो मटर लदपद हो रहे हैं बिल्कुल टूटने हो रहे हैं पौधे मटराम इतना मटर साथ में बो रखे मटर जो मटर की खेती भी ली यार गेहूं भी ये पूछेंगे भाई साहब तो भाई साहब ईव या जो है आपने ड्रिप या गेहूं और मटर लिए तो मटर की अनुमानित लगभग कितनी उपज होगी मटर का तो कोई आइडिया कौन जी मटर तो अभी टूटी कौन है रोजाना मान ले 2-3 हजार रुपये बिक जाए हैं तो 3 हजार रुपये बिक जाते कितने दिन हो गए अब तक तो होगा लगन तो 20-25 हजार की तो बेच ली होगी और इबे तो करीब 15 दिन तो और चलेंगे हाँ चलेंगे 15-20 दिन और चलेंगे तो करीब 1 लाख के करीब मेरे ख्याल मटर की ना तो कौन मटर तो 45-75 हजार तो हो गए ये ना फिर अभी कम रहेगी तो आगे आगे कम आओगे 30-40 हजार की भी हो जाएगी तो ठीक से 1.5 किलो में 1.5 किलो में 40 हजार की हाँ। अच्छा मैं तो ये अंदाजा लगाऊंगा 3 हजार के हिसाब से डाली की अनुमानित लागत मतलब आमदनी लगा के बता रहा था मैं बिक्री कौन रहना अच्छा अच्छा तो ईब भाई साहब आप भी किसान हो इस 1.5 किलो के अंदर गेहूं है ये ड्रिप से और बीचो मटर से इसमें कितनी गेहूं लगभग हो सकती है इसमें भाई साहब 30 मिनट से ऊपर बैठेगी कम से कम तो बैठेगी 1.5 किलो में 30 मिन हाँ। यानी 20 मिन की लगी बाल की बाल बहुत बाल लंबी है भाई ज्यादा है और मोटी मोटा दाना है बहुत लंबाई इसकी ज्यादा हाँ मोटा भी है तो 30 या 40 मिन भी 35 मिन 40 मिन भी हो सकती है इतनी तो नहीं हो क्योंकि थोड़ी छिदार है अगर 20 मिन भी बनती है ना तो भी सही है जी ऑर्गेनिक है 4 हजार रुपये भाव बिकेगी हाँ किस भाव बिकेगी तरबूज 4 हजार रुपये 4 हजार रुपये क्विंटल बिकेगी है गेहूं और अपना बिकेगी 1800-1900 और ये बिकेगी 4 हजार रुपये यदि 20 मिन भी होती है तो भी यह 50 मिन के बराबर होगी और फिर जहर नहीं है ये कितनी बड़ी बात है फसल लेंगे जी। फिर मटर की फसल ले ली साथ में ईब तरबूज भी लेंगे बीच में तरबूज बो दिया भाई लू नहीं लग गए इस कारण गेहूं के बीच में ईब ड्रिप या उठ की गेहूं की साइड तो बीच में आएगी और ये जो ये मटर ये देखिए ये पौधा है ये तरबूज का है इसकी कोई खास वेराइटी है या हाँ जी ये तो हमने बस वो जो हाइब्रिड जो आते हैं ना मार्केट से बीज लिया जी अच्छा 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 तो ये तरबूज का हो गया मटर का ले रहे हो आप पर गेहूं होगी और उधर सिरसम में चना ले लिया आपने तो और भी इसमें सब्जी लगाई जा सके है और अब नहीं लगाई जा सकती जी अच्छा हाँ उस समय मौसम नहीं है तरबूज बेल वाली सब्जियों का है बेल वाली फिर हमने तरबूज लगाई दी बेल की जगह हम इसमें तरबूज की जगह घिया तोरी टिंडा भी लगा सकते थे अच्छा 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 हाँ ये बात सही है और भी फसल में और भी गेहूं के अंदर लगा सकते थे तो भाई ये देखने वाली बात है लोग न्यू कह थे बावड़ा हो गया पागल हो गया भाई 2 किलो गेहूं के बीज में यो के लेगा इसने तो कीड़ी चुग ले जाएंगी यानी कि पागल हो लिया कीड़ी उठा ले जाएंगी 2 किलो की वाने तो उगेगी कड़ाई या तरस्यामी फसल लाने लग रही और 100 ग्राम की वहां सिरसम का बीज भाई यो
ये देख लो आप कैसे मैंने सब तो तकड़ी आ रही है कि अंदर सबसे तकड़ी सरसम है भाई, और 100 ग्राम बीज गिरा था। लोग पागल यानी के पागल वैज्ञानिकों को पागल ही कहते हैं। कोई भी बल्ब बना तो भी बावड़ी बूछ बताऊं थे, रेल बनाने लग गया उसने भी पागल बताऊं थे, जहाज बनाई वो कई बार पड़ा उठा गोडे टूटे सिर फूटा उसने भी पागल बताऊं थे, रेडियो का आविष्कार करा उसने भी पागल बताऊं थे, भाई ये आविष्कार करना रहे ने भी पागल बताऊं है। लेकिन ये देश के वैज्ञानिक हैं, ऑर्गेनिक वैज्ञानिक हैं, खेती के किसानों के, इनकी मान लो भाई, अरे भाई जब उनकी मान लो तो भाई उनकी मान की देख लो, किसान किसान में ये फर्क है, ये है किसान असली किसान। इनकी मानोगे तो अच्छी फसल लोगे, अच्छा उत्पादन लोगे। और इनका नंबर अपनी स्क्रीन पर चलने लग रहा है फोन नंबर, और सारे भाई सब्सक्राइब करो चैनल, देख दे रहो इनके बारे में, हर चैनल पर अपने वीडियो है, हर प्रकार की जानकारी आप ले सको। इनका बाग भी है, अमरूद का बाग भी, बेर के भी हैं, सब्जी भी है, हर तरह की आपकी सहायता करेंगे ये, और हर लोग इनसे जानकारी लेने के लिए आते हैं। और भूल जाओ इन बात ने कि निरी यूरिया गेर की में फसल ले सकूं, प्योर टिब्बा में सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं भाई अमरजीत। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, और भाई लाइक करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि और किसानों का भला हो सके। जय हिंद, नमस्कार। इसलिए साल यो भी था जो